बोले बाबा की जय। मेरा नाम कविता भट्ट है और मैं बांदीकुई से बिलोंग करती हूँ। और भोले बाबा का मेरे जीवन में क्या बताऊँ मैं, शुरू से लेके और अब तक मैं जुड़ी हूँ तो ऐसी घटनाएं हैं, ऐसे संस्मरण हैं जिनको मैं जितना सुनाऊँ उतना ही कम है। मेरे लाइफ में भोले बाबा के बिना कुछ भी नहीं है। भोले बाबा ने लाइफ में बहुत से चमत्कार करे हैं, बहुत से ऐसी दर्शन दिए हैं उन्होंने कई बार स्वप्न में भी हमें, तो उससे हम बहुत ही ज़्यादा भोले बाबा से जुड़े दिन पे दिन ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने लगे हैं हम लोग। मेरी नई नई शादी हुई थी तो हमने 2-3 साल बाद में हमने सोचा घर बना लेते हैं, तो हमने घर बनाया। तो आज के 20 साल पहले बाबा जी की फ़ोटोज़ वगैरह इतना नहीं मिलती थी, तो हमने सोचा कि घर में मंदिर बनाएंगे तो मंदिर में एक बाबा जी की फ़ोटो होनी चाहिए हैड़ा खान बाबा की, और एक हमारे महेंद्र महाराज जो बाबा जी के साथ पहले रहे थे महेंद्र महाराज जी गुरु जी, उनकी फ़ोटो भी मुझे ज़रूरत थी। तो भोले बाबा की फ़ोटो तो मुझे मिल गई लेकिन महेंद्र महाराज की फ़ोटो मुझे नहीं मिली। तो मेरे मन में ये क्वेश्चन था कि महेंद्र महाराज की फ़ोटो कहाँ से लाएँ, अपन मंदिर में दोनों फ़ोटो होना ज़रूरी है तो कहाँ से लाएँ, यही दिमाग में उधेड़ बुन चल रही थी कहाँ मिलेगी फ़ोटो, कहाँ मिलेगी। तो अगले दिन जैसे मैं भगवान की पूजा कर रही थी तो पूजा करते करते ही मेरे एकदम से मेरे दिमाग में आया कि महेंद्र महाराज की फ़ोटो रखी है और मेरे डॉक्यूमेंट्स की जो फाइल है उसमें है वो फ़ोटो, मुझे रात को सपने में दिखा रहा वो सपना मुझे पूजा करते हुए सुबह याद आया। तो मैंने फटाफट से पूजा करी और पूजा करके और मैंने फटाफट से अलमारी खोली, अलमारी खोल के और मैं डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल निकाली। तो डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल निकाली जो रात को सपने में जो मुझे चित्र दिखाई दिया था महेंद्र महाराज का, वो कब वो चित्र कागज़ पे जो चित्र था फोटो थी वो ऐसे कैसे मुझे फाइल में मिली वो मुझे, और मैंने कभी वो चित्र फाइल में डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल में रखा ही नहीं वो चित्र मैंने, और जो सपने में जो चित्र दिखा था करा था सेम वही चित्र वो मुझे डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल में मिली। मैं बहुत खुश हुई और मैंने फिर वही चित्र को फ्रेम करवा के और मेरे मंदिर में मैंने बाबा महेंद्र महाराज की वही चित्र मेरे आज भी मंदिर में वही चित्र लगा हुआ है। तो मुझे ये लगा कि भगवान अंतर मन की बात आपकी सुनते हैं, आपकी समस्या का समाधान करते हैं, आपके साथ हमेशा रहते ही हैं। और मेरे हस्बैंड बीमार हुए तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो गई थी उनकी, तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती हो गया था कि लगता ही नहीं था क्या होगा लाइफ में, सब कुछ ख़त्म सा लग रहा था। तो मैं इनका ऑपरेट होने वाला था, ऑपरेशन होने वाला था, जैसे कल ऑपरेशन होना है तो आज ही मुझे हॉस्पिटल में बैठे बैठे एकदम से अंदर से फीलिंग हुई, अंदर से जैसे मुझे किसी ने कहा हो कि तुम मुंडन बोल दो, जबकि ये महीने लगभग 2 महीने से बीमार थे, बिस्तर पर 2 महीने से थे, बहुत सीरियस कंडीशन हो गई थी, बार बार डॉक्टर को दिखा रहे थे और डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन होगा अब तो पता नहीं कि हॉस्पिटल में बैठे बैठे एकदम से भगवान को स्मरण कर रही थी मैं भोले बाबा को, तो अंदर से मुझे आया कि जैसे कोई मुझे आदेश दे रहा है कि मुंडन बोलो आप, तो मैंने वहीं हॉस्पिटल में बैठे बैठे ही मुंडन बोल दिया कि बाबा ठीक हो जाएंगे मेरे पति, तो मैं आपके मुंडन करवाने आऊँगी। फिर भोले बाबा की दया से टाइम तो लगा थोड़ा सा लेकिन बाबा ने इनको बिल्कुल स्वस्थ कर दिया, और फिर मैंने बाबा से जो प्रॉमिस किया था फिर मैंने हैड़ा खान आके मुंडन करवाया। तो बाबा मेरे पति को जीवन दान दिया है, बाबा ने पुनर्जन्म हुआ है एक तरीके से, जो आज जीवन है उनका वो बाबा की वजह से ही और बाबा के लिए ही है। मैं तो यही कहती हूँ उनसे कि आपका जो जीवन था वो तो हो गया पूरा, ये तो ग्रेस पीरियड का है, तो ये जितना बाबा के लिए हम उतना करें उतना कम है हमारे लिए, आप हमारे लिए नहीं हो, आप बाबा के लिए हो, बाबा के लिए जितना हो सके जितना प्रचार प्रसार बाबा के लिए, जितना भी हम हमारे मन से तन से धन से जितना भी कुछ कर सके उतना कम है, बाबा का हमारे जीवन में इतने उपकार हैं। और आज भी कोई समस्या कोई बात होती है तो बाबा तुरंत मन की बात जान लेते हैं, और यही हाथ मेरे बच्चों का भी है कि उनके मन में कोई शंका होती है कुछ बात होती है तो भगवान उस शंका का समाधान करवा देते हैं कैसे न कैसे, किसी न किसी रूप में बाबा उस समस्या का समाधान उस प्रॉब्लम का बिल्कुल आराम से करवा देते हैं और हमारी शंका दूर हो जाती है। तो बाबा के बारे में जितना कहो उतना ही कम है। पता नहीं हमारे कौन से जन्म में अच्छे कर्म करे थे हमने, मैं तो ये मानती पता नहीं कौन से अच्छे कर्म करे थे हमने तो बाबा से हमारा इस जन्म में जुड़ाव हुआ है। ये लोगों को तो योग्य गुरु मिल ही नहीं पाता और हमें तो समर्थ गुरु मिले हैं, तो बस इनकी शरण में है, बस यही हमारा उद्धार करेंगे आगे। भोले बाबा की जय।